हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। मैं हूं पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो। आज हम इस सीरीज़ का 28th पार्ट देखेंगे। पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ओल्ड पेपर जो 2016 में हुए थे उनका यहां हल देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमसे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम ये एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ मैं अब रेलवे की भी जो प्लेटफॉर्म सीरीज़ की वॉल्यूम 2 है, ठीक है, जो कि रेलवे की आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। रोहित का स्थान 29 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं ओर से 17वां है और करण का जो स्थान है उसी पंक्ति में दाहिने के अंत से 17वां है। लड़के कितने लड़के पंक्ति की उन दोनों के बीच में जो बैठे हैं पंक्ति में, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, और तरीका क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एक रो है, ठीक है, एक लाइन है, एक और मैं यहाँ पर लाइन लूँगा, ठीक है। यहाँ दो लाइन नहीं ली जाती है, बट दो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दो तरीके होते हैं और तरीके में आपको ध्यान कितना रखना है। टोटल कितने हैं, 29 है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक टोटल है 29, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर आगे से मैं बात करूँ 17 की, अब देखिए दायां बायां पहले लिख देता हूँ मैं, एक होता है दाहिना, तो दायां इस साइड होता है हमेशा और बायां इस साइड होता है, ठीक है। D4 दायां आप याद रख सकते हैं, B4 बायां याद रख सकते हैं। टोटल है 29 इस लाइन में, ठीक है। आपको कहा है कि पंक्ति में बाएं से 17वां जो है रोहित बैठा हुआ है, तो बायां तो इस साइड लिखा है। तो देख लीजिए, यहां से अगर मान लीजिए 17वां यहां पर अगर मैं रोहित को बिठाऊं, या फिर ऊपर 17 लिख के नीचे R लिख देता हूं, ठीक है। और फिर उसने कहा है कि लास्ट में करण का स्थान उसी पंक्ति में दाहिने के अंत से 17वां है, मतलब पीछे से। यहां से अगर 17 की अब मैं बात करूं तो भैया 17 और 17 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर इस 17 को मैं इससे क्रॉस करवा के यहां बिठा दूं और नाम है इसका करण, ठीक है। और एक वाले डायग्राम में अगर आगे से 17वें नंबर पर मान लीजिए कि यहां कहीं 17 नंबर पर रोहित बैठा हुआ है और पीछे से अगर 17वें नंबर पर अगर मैं करण को बिठाऊं, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं आपको ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, 17 आगे से यहां इसमें हो रहा है, 17 पीछे से यहां इसमें हो रहा है, मतलब ये तो हो गया 34, और बीच में एक भी जना बैठा हो तो कितना हो गया भैया, 35। और आपको तो बोल रखा है कि टोटल स्टूडेंट 29 ही है, तो आपका ये नीचे वाला जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल पूर्णतः गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सी बार आपको ऐसे दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे जिसमें आपका एक करेक्ट होगा और एक रॉन्ग होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट वाला यहाँ करेक्ट हुआ है कि 29 जो हो रहे हैं, तो आगे से अगर आप रोहित पर चलेंगे, 17 नंबर पर रोहित बैठा हुआ है आगे से, और पीछे से अगर मैं बात करूँ तो 17 नंबर पर बैठा हुआ है करण, जो कि रोहित को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब बताना है कि रोहित और करण के बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लगा के अगर यहाँ करण तक की दूरी आप पता कर ले कि कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम बीच में का निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, टोटल है 29, ठीक है, टोटल थे 29, और 29 में से अगर आप इस 17 को घटा देंगे, पीछे पीछे वालों को अगर घटा देंगे इतना इतना भाग, तो भैया आगे आगे वाला आ जाएगा, तो 29 में से अगर 17 जाएगा तो बचेगा कितना, 12। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ 12। अब आप देखेंगे ऊपर साइड लिख देता हूँ 12, तो ये 12 जो है ये इतना इतना सा है, ठीक है। करण तक, करण से पहले तक का भाग, करण जो है वो 13वें नंबर पर है, ध्यान रखना, क्योंकि 17 में करण आ रहा है, यहाँ 12 में करण बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैंने 17 को पूरा घटाया है, ध्यान रखना, ठीक है। हम हर बार क्या करते हैं, या तो हम एक कम घटाते हैं या फिर घटा के एक जोड़ देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ जोड़ा नहीं है, मतलब इस 12 में करण नहीं है, इस 17 में करण है, इस 17 में ये R4 क्या नाम है इसका, रोहित, ये भी है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 12 में अगर करण नहीं है तो भैया 12 कौन है, करण से पहले वाला, तो 13वें नंबर पर कौन आएगा, करण। करण कितने पर आ गया, 13वें नंबर पर। अब मैं देखिए थोड़ी सी लाइनिंग यहाँ हटाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए 12 पर तो करण है नहीं, करण आ गया आपका 13वें नंबर पर, फिर बचा आपका 14वां, 15वां, 16वां, और 17 नंबर पे आगे से 17 नंबर पे तो बैठा हुआ है ना R4 रोहित, तो 17 नंबर पे खुद कौन बैठा है, रोहित, R4 रोहित। अब आप देखो K4 करण और R4 रोहित, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो 14, 15 और 16 कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 3 लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक समझाया मैंने इसको आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। यदि सैम लेक्चर में सम्मिलित नहीं हुआ तो उसने अपना होमवर्क नहीं किया था,
ठीक है, इसको क्या करना है, तरीका बताया था, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे और ये पीछे वाला जो सेंटेंस है इसको आगे लाएंगे, ठीक है, ये यदि रहेगा आगे ही। तो यदि सेम ने अपना होमवर्क नहीं किया, ठीक है, यदि सेम लेक्चर, तो ये तो गलत हो जाएगा, यदि सेम ने अपना होमवर्क किया तो गलत हो जाएगा, यदि सेम लेक्चर गलत, यदि सेम ने अपना होमवर्क नहीं किया तो वह लेक्चर में सम्मिलित नहीं हुआ। और इसने कहा है कि यदि सेम लेक्चर में सम्मिलित नहीं हुआ, तो आप यहाँ देखेंगे आपका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जबकि यहाँ यहाँ नहीं नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ आ रहा है तो ठीक है, अब बाकी और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। यदि सेम ने अपना होमवर्क नहीं किया तो वह लेक्चर में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का यहाँ अर्थ बताया है कि आगे वाला जो है वो पीछे वाले का क्या होना चाहिए, पिता, ठीक है। फिर B प्लस सी का अर्थ बताया है कि B C की पुत्री है, B प्लस सी का मतलब बताया है कि B जो है वो C की पुत्री होनी चाहिए, मतलब देखिए C जो है वो क्या होगी भैया, इसकी बेटी होगी, माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। तो A और C दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तभी तो B पुत्री होगी, क्योंकि इसकी बेटी जो है और A की बेटी जो है वो एक ही तो है। आगे तो C A का क्या हुआ, ये C जो है ये A का क्या हुआ, तो भैया तो हस्बैंड हुआ, पति हुआ, करेक्ट आंसर आपका C A की पत्नी है, C A की पत्नी है, जी बिल्कुल, C जो है वो A की पत्नी है, A हस्बैंड ही तो है, मैंने यही तो बताया आपको कि ये दोनों कपल होंगे तभी तो इनका एक बच्चा है और वो है B और वो भी एक लड़की है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर C, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, यदि अक्षर B निचले फलक पर है तो उच्च तल पर कौन सा अक्षर उपस्थित होगा, ठीक है, दो यहाँ पर पासे दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पासों में से कोई सा भी एक यहाँ पर अल्फाबेट्स आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन दिख रहा है बी मुझे, तो मैं बी को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस बी से घड़ी की दिशा में चलूँगा, तो देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूँ तो बी से चलने पर मुझे आ जाएगा डी, डी लिख दिया। सेकेंड वाले डायग्राम में अगर बी से चलूँगा तो आ जाएगा एफ, एफ लिख दिया। फिर फर्स्ट वाले डायग्राम में डी से चलूँगा तो ए, ए लिख दिया। फिर सेकेंड वाले डायग्राम में एफ से चलूंगा तो आ जाएगा सी, ठीक है। और बी के नीचे बी हो नहीं सकता, बच क्या रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच रहा है, मतलब यहाँ आ जाएगा ई। तो बी के निचले, बी निचले फलक पर है, उसके ऊपर क्या आएगा, बी के अपोजिट क्या आएगा, तो ई आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। आगे बढ़ेंगे, पहले का दूसरे के साथ कुछ संबंध है तो आपको तीसरे का चौथे के साथ कोई संबंध बताना है। के बाय टी यहाँ पर दे रखा है कि 11/20, तो आप सभी जानते हैं कि K जो है अगर उनकी हम नंबरिंग करेंगे तो वो 11 पर आएगा और T जो है वो 20 पर आता है, ठीक है, इजोटी अगर याद है तो आपको ये नंबर्स याद होंगे। इसी प्रकार J और R दे रखा है, तो भैया J की अगर मैं बात करूँ तो J आप सभी जानते हैं इजोटी में दूसरे नंबर पर आता है, मतलब 10, और R की अगर मैं बात करूँ तो R आ जाएगा आपका 18 पर, तो 10/18 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये आपको नंबर्स याद करने हैं, 1, 2, 26 जो अल्फाबेट्स है उनके नंबर याद कर लीजिए तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति क्या होगी, तो इसमें अगर मैं अगली आकृति की बात करूँ तो देखिए ये एक एरो इधर जा रहा है, इस साइड इस दिशा में जा रहा था, फिर नेक्स्ट वाला नीचे की ओर जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाला जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, फिर दो डायग्राम दो एरो जो है वो इस साइड जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्या होगा। चलिए ये तो बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि एक इधर गया, एक इधर गया, एक ऊपर गया और दो बैक टू बैक जा रहे हैं, इसको देख लेते हैं, ये इधर गया फिर ऊपर गया, मतलब देखिए पहले वाले में साथ में है, दूसरे वाले में अपोजिट है, एक नीचे बता रहा है एक ऊपर बता रहा है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों अलग ही जा रहे हैं, एक ऊपर बता रहा है एक इस साइड बता रहा है। नेक्स्ट वाले में अगर मैं देखूँ तो एक इस साइड बता रहा है एक नीचे की साइड बता रहा है, इस वाले में बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, मतलब अगर हम इसको मिलाएं तो आप देखेंगे कि अपोजिट वाले यहाँ पर एक यहाँ अपोजिट दिख रहा है और एक यहाँ अपोजिट दिख रहा है और ये दोनों मुझे सेम दिख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वाला जो डायग्राम कुछ बनना है तो वो एक ही दिशा की ओर संकेत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका अपोजिट देखूँ यहाँ, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर एक ही दिशा में दोनों एक तरफ ही बता रहे हैं, बाकी अपोजिट जो है वो तो दोनों का मेल यहाँ हो चुका है और ये जो बता रहे हैं अलग अलग दिशा में इन दोनों का भी यहाँ मेल हो चुका है, तो बचा यही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, श्रृंखला में अगला पद आपको यहाँ पर क्या होगा बताना है। ए आर एम बी ई डी सी ए आर डी ओ जी ई ए आर एफ ओ एक्स जी यू एन एच ई एन, मतलब देखिए ए बी सी डी
ई एफ जी एच, मतलब आई से स्टार्ट होने वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए, और वो रहा आपका इंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मुझे कि एस टी ए आर को कुछ लिखा गया है, एस टी ए आर ई को लिखा गया है 6 8 2 3 4, और उसी प्रकार यहाँ वी ए आई एन को लिखा गया है 5 2 9 1। आपको आर ए वी आई एन ई का मतलब बताना है। तो आर का मतलब तो 3 हो गया, मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर ए का मतलब यहाँ पर 2 हो गया, 3 के बाद 2 आना चाहिए। फिर आई का मतलब यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है, यहाँ 9 लिख रखा है। फिर शायद वी बचा है ना, ठीक है वी देख लेते हैं। वी का मतलब 5 होगा, तो 9 से पहले 5 आएगा फिर 9 आएगा। चलिए उसके बाद एन का मतलब अगर हम देखें तो 1 होगा, और ई का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 होगा। बस ये नंबर आपका करेक्ट होगा, 3 2 5 9 1 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसी खास कोड भाषा में पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑफ का मतलब आपको बताना है, और अगर ऑफ आप देखें तो एक यहाँ दे रखा है ऑफ, और इसके अलावा ऑफ आपको कहीं और नहीं दिखेगा जी। तो आप इस ऑफ को छोड़ दें, ऑफ के अलावा ऑनर्स इसका मतलब बता दें, और इसको अगर आप चेक करें तो एक यहाँ भी दिखेगा आपको ऑनर्स। ठीक है, तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो देखिए, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है DEEJ, DEEJ। ठीक है, तो ये तो ऑनर का हो गया। अब बचा है HOUSE, हाउस का, तो हाउस आपको दिखेगा यहाँ पर, और इस लाइन में अगर आप देखें तो इन दोनों में आपको कॉमन दिखेगा, देखिए JEE यहाँ भी है, JEE यहाँ भी। ऑफ का मतलब पता चल गया, DEEDJE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी खास सांकेतिक भाषा में अगर रेडियो को लिखा जाता है ये, तो उस सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को क्या लिखा जाएगा? RADIO, रेडियो को लिखा गया है SBEJ और P। देखिए आर और एस के बीच में अगर आप संबंध देखें तो आर के जस्ट बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है। ठीक है, आर एस ए बी डी ई आई जे और ओ पी। इसी प्रकार आपको क्या करना है, टेलीफोन में भी एक एक इंक बढ़ाते जाना है। तो टी के बाद अगर आप देखें तो यू आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम आगे भी देखें, जैसे कि दिया हुआ ई, ई के बाद आ जाएगा एफ, फिर एल दिया हुआ है तो एल के बाद आ जाएगा एम, फिर एफ दिया हुआ है तो एफ के बाद आ जाएगा, देखिए एफ ई, सॉरी एफ नहीं, ई दिया हुआ था तो ई के बाद आ जाएगा एफ। तो देखिए इतने में तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, UFMF UFMF, और यहाँ भी UFMF है। तो एक काम करते हैं, लास्ट से कर लेते हैं, लास्ट में हमको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ई के बाद आ जाएगा भैया एफ, तो लास्ट में एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट है, एन दिया हुआ है तो एन के बाद आता है ओ, मतलब ओ एफ लास्ट में जहाँ होगा वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। सी, सी के बाद कुछ आएगा, फिर आई एल ओ और आर। तो आई और एल के बीच में अगर आप संबंध देखें तो देखिए आई के बाद जे के और एल, मतलब जे और के छूट रहा है, एल, एल के बाद अगर देखें तो एम एन छूट रहा है, ओ आ गया। ओ के बाद फिर से अगर देखें तो पी क्यू छूट रहा है, आर आ गया, मतलब सी के बाद भी डी और ई छूट जाएगा। तो डी और ई छूटने के बाद यहाँ पर देखिए, डी और ई छूटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर एफ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फिर एफ के बाद अगर मैं बात करूं तो जी और एच छूट जाएगा, तो आपका आई आ जाएगा नेक्स्ट। चलिए विलुप्त तो संख्या चुनकर श्रृंखला को यहाँ पूरा करना है। एक से दो के बीच में अगर अंतर देखे तो एक का अंतर है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आ रहा है 1 2। फिर दो से पांच के बीच में अगर अंतर देखे तो यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, 3 2 5 होते हैं। फिर 5 से 10 के बीच में अगर देखो तो 5 का अंतर है, 10 से 7 के बीच में अगर देखे तो 7 का अंतर है, मतलब नेक्स्ट देखिए 1 3 5 7, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 9 आएगा। तो 7 7 14 और 2 हो जाएगा 16, मतलब आपका करेक्ट आंसर 26। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई का बेटा है, वाई और एल बहने हैं, जेड एल की माता है, और पी जेड का बेटा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए एक्स अगर वाई का बेटा है, एक्स जो है वो वाई का क्या है, बेटा है, तो प्लस कर देंगे। वाई और एल बहने हैं, देखिए वाई और एल जो है वो दोनों ही बहने हैं। अब आगे जेड एल की माता है, जेड जो है वो एल की माता है, जेड जो है वो माता है और किसकी, एल की माता है, मतलब वो वाई की भी माता है। पी जेड का बेटा है, पी जो है वो जेड का बेटा होना चाहिए, मतलब देखिए इनका एक भाई है और वो है पी। ध्यान रखना जेड के कितने, 3 लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़का और 2 लड़कियां हैं, ठीक है, जेड की, और लड़का है पी, लड़की एल और वाई है,
और वाई का एक और लड़का है, मतलब इस जेड का क्या हो गया, नाती, ठीक है, नाती कौन हो गया, ये एक्स हो गया। अब आप देखिए, पी और एक्स चचेरे भाई है, तो नहीं भैया गलत, पी एक्स के मामा है, पी जो है बिल्कुल सेकंड वाला करेक्ट होगा कि ये भैया आपकी मम्मी के भाई क्या लगते हैं आपको, मामा ही तो लगते हैं, तो इसकी माँ है ये वाई और वाई के भाई जो है वो पी है, तो एक्स के मामा हुए, करेक्ट आंसर सेकंड वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एक चक्रीय पथ पर केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, बी ए के बाई और एक को एक के बाद अगला है। देखिए बी ए के बाई और, मतलब देखिए सबसे पहले मैं यहां पर ए को बिठा देता हूं, ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका दाया और ये हो जाएगा आपका बाया, ठीक है, इस वाले तो डायग्राम में यही चलेगा क्योंकि सभी जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बी ए के बाई और, बाई और मतलब इस साइड, यहां कोई आएगा, एक के बाद अगला बैठा है, मतलब यहां कौन बैठा है, बी, ठीक है, ए और बी के बीच में कोई एक है, ये कहना चाह रहा है, बी जो है ए के बाई और एक के बाद अगला बैठा है, बाई और होना चाहिए और एक के बाद बैठना चाहिए। फिर डी सी के दाई और दो के बाद अगला बैठा है, देखिए डी को अब मैं कहां ले सकता हूं, कहीं भी ले लीजिए, फिलहाल अभी अपने पास जगह है, डी को अगर मैं यहां बिठा दूं तो क्या कहे कि डी जो है वो सी के दाई और दो के बाद अगला बैठा है, मतलब दो होने चाहिए बीच में, तो अगर मैं सी को यहां मान लूं और एक को अगर मैं यहां बीच में मान लूं तो सी के बाद आप देखेंगे कि दाई ओर होना चाहिए, मतलब यहां तो ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है, आपको क्या कहा कि डी जो है वो सी के दाई ओर, मतलब सी कहीं अगर मैं यहां मान लूं तो इनके बीच में दो जने होने चाहिए, ऐसा कहने वाला है वो कि अगर इनके बीच में दो जने होंगे सी और डी के तो सी के दाई ओर डी बैठ सकता है, ठीक है। अब देखिए तब सी के दाई ओर से चौथा कौन है, अब आप देखिए टोटल कितने लोग थे, एक दो तीन चार और पांच, और मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों की जगह रख ली, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका डायग्राम। तो आप एक काम कीजिए, अगर सी को हम यहां बिठाएं, थोड़ा ध्यान से देखना, सी को मैं वहां बिठा रहा हूं भैया, ये भी तो उसका दाया ही है, ठीक है, इस साइड वो दाया ही तो कहलाएगा, तो सी के दाई ओर अगर क्या कहा है उसने कि दाई ओर दो के बाद अगला, मतलब एक को यहां बिठा दीजिए, दूसरा ये, और फिर नेक्स्ट कौन आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, तो डी अगर यहां आता है तो दाईं ओर से सी के दाईं ओर डी भी हो गया, और यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5 पर्सन भी हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो बचा कौन, ई, ई को यहां बिठाइए, ये आपका करेक्ट मतलब सर्कल बनेगा। अब आपको पूछा है कि सी के दाईं ओर से चौथा कौन है, तो सी के दाईं ओर से 1 2 3 4 नंबर पे कौन है, ए, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बट आंसर होगा ए, चौथे नंबर पर कौन है, सी के दाई ओर से चौथे नंबर पर ए बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ बताया है कि ए जो है वो भाई होना चाहिए बी का, ठीक है। फिर आगे पी बाई क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, पी बाई क्यू का अर्थ है कि पी जो है वो बहन होनी चाहिए किसकी, क्यू की, ठीक है। फिर आगे मुझे कहा है कि एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का अर्थ दिया हुआ है कि एक्स जो है वो वाई का बेटा होना चाहिए, तो देखिए वाई का बेटा एक्स होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा आपको ये वाली सोल्व करनी है, पी बाई क्यू प्लस आर स्टार एस, ठीक है। तो पी बाई क्यू मतलब क्या कहा है हमें कि पी जो है आगे वाला जो है वो पीछे वाले की क्या होनी चाहिए, बहन होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहा है मुझे कि क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर मतलब ये वाला, तो आगे वाला पीछे वाले का भाई होना चाहिए, मतलब यहां पर R जो है वो इसका भाई होगा। फिर नेक्स्ट R यहां पर डिवाइड सॉरी R मल्टीप्लाई Y दिया हुआ है, R मल्टीप्लाई S दिया हुआ है, तो R मल्टीप्लाई S का मतलब क्या हो जाएगा, आगे वाला पीछे वाले का लड़का होना चाहिए, मतलब S का ये लड़का होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से भैया ये बन जाएगा। अब आप देखेंगे S P का चाचा है, क्या S यहां पर P का चाचा है, तो आप देखेंगे कि अगर ये इसका लड़का है तो ये तो तीनों भाई बहन हुए, और भाई बहन अगर हुए तो चाचा नहीं पिता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि एस पी की माता है, देखिए क्या एस यहाँ पर इस पी की माँ हो सकती है, अभी यहाँ पर डाउट है हमें क्योंकि एस का जेंडर हमें पता नहीं है, एस पी की बहन है तो नहीं ये नहीं हो सकती, एस पी की भतीजी है तो ये भी नहीं हो सकती, मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, माता होगी, ठीक है, जेंडर पता नहीं है बट इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो वो माता हो सकती है या पिता हो सकते हैं, ऑप्शन में माता दे रखा है तो करेक्ट आंसर माता होगा, ठीक है। अगर यहां पर तीन ऑप्शन होते और एक होता कि नन ऑफ दीज तो आपको उसको टिक करना था क्योंकि एस का जेंडर पता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है शायद ये,
नेक्स्ट दिया हुआ है कि शंकर ने संजय से कहा कि फुटबॉल खेल रहा लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा वाला है। फुटबॉल खेल रहा लड़का, शंकर का क्या लगता है? शंकर ने संजय से कहा कि फुटबॉल खेल रहा लड़का, देखिए कहने वाला कौन है? शंकर, ठीक है। तो क्या कहा कि वो जो लड़का है वो मेरे पिता की पत्नी, मेरे माता डायरेक्ट लिख दूं मैं, पिता की पत्नी कह रहा है भैया, पिता की पत्नी कौन होती? माता ही होती। तो मेरे पिता की पत्नी की बेटी के, अब देखिए इसकी बेटी कोई है जो कि शंकर की क्या हुई? बहन हुई, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरी माता की बेटी के दो भाइयों में से एक है, मतलब अगर ये कह रहा है मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो एक और भाई है, तो शंकर का भाई हुआ भाई ये तो, ठीक है। तो फुटबॉल खेल रहा लड़का शंकर से किस प्रकार संबंधित हुआ? तो करेक्ट आंसर आपका ब्रदर, भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न प्रश्न में पहले तो शब्दों के बीच पहला और दूसरा किसी प्रकार संबंधित है, तो तीसरे का चौथे के साथ क्या संबंध होगा? देखिए, डॉक्टर का मरीज से, तो वकील का यात्री, न्यायाधीश ग्राहक, या फिर अपराधी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कि ग्राहक, ठीक है। जिस प्रकार डॉक्टर का मरीज से है उसी प्रकार वकील का आ जाएगा क्लाइंट, ग्राहक से, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। जीव विज्ञान का जिस प्रकार जानवर से संबंध है, तो अर्थशास्त्र का किससे होगा? जीव विज्ञान का जानवर से, तो अर्थशास्त्र का अध्यापक नहीं, अनुसंधान नहीं, पेशा या विषय? तो आपका करेक्ट आंसर पेशा हो जाएगा, विषय नहीं होगा, ठीक है। जीव विज्ञान का जानवर से, तो अर्थशास्त्र का पैसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का तात्पर्य, ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का तात्पर्य, ए बी का पति है, और ए इंटू बी का तात्पर्य, ए बी का भाई है। तो आपको ये वाली जो पजल है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ दे रखा है कि ए बी की पुत्री है, मतलब आगे वाला जो है वो पीछे वाले की पुत्री होना चाहिए। फिर ए माइनस बी का तात्पर्य है कि ए बी का पति है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा सोचना कि ए प्लस बी का तात्पर्य है ए बी की पुत्री है, पुत्री है मतलब ए तो भैया पुत्री हो गई, फिर ए माइनस बी का तात्पर्य इसने कहा है कि ए बी का पति है, तो या तो यहां कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है, क्योंकि एक वाले में उसने कह दिया कि ए बी की बेटी भी है, और एक वाले में वो कह रहा है ए बी की पत्नी भी हो सकती है, सॉरी पति भी हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाले में कहा है कि ए बी का भाई है। अब देखिए, एक में इसने पुत्री कह दिया जेंडर माइनस, एक में ये पति कह रहा है तो ठीक है कभी जेंडर प्लस, और यहाँ भी भाई कह रहा है तो जेंडर प्लस। तो देखिए यहाँ मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक बार सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि छह छात्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। बी जो है एक पंक्ति में कहा है तो मतलब सीधी लाइन है। फिर बी एफ एवं डी के मध्य में है, मतलब देख लीजिए बी जो है वो एफ ओ डी के बीच में हो सकता है। एक और मैं पंक्ति ले लेता हूँ जिसमें मैं बी को यहाँ बिठा देता हूँ, आगे बिठा देता हूँ डी को, पीछे बिठा देता हूँ मैं एफ को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है डी आगे है कि बी एफ बी है आगे है। ई ए एवं सी के मध्य में है, देखिए ए जो है वो, सॉरी ई जो है वो ए एवं सी के मध्य में है, तो मैं इसको कहाँ मान सकता हूँ? नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ के बता देता हूँ, ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा है, एफ या डी के बगल में कौन नहीं है? ए नहीं है, मतलब अगर ए इन दोनों के बगल में नहीं है तो सी होगा। तो मान लीजिए अगर सी को मैं एक में यहाँ ले लेता हूँ, तो सी और ए को अगर मैं इन दोनों के बीच में ई को बिठा देता हूँ, तो नेक्स्ट वाले में मुझे यहाँ कुछ लेना पड़ेगा, एफ के पास, एफ के पास, तो इसने स्पष्ट मना कर दिया ए हो नहीं सकता, तो यहाँ भी सी होगा, तो सी यहाँ, ए यहाँ, और इन दोनों के बीच में ई, ठीक है, कुछ ऐसा बता रहा है वो। फिर सी डी के पास नहीं खड़ा है, सी जो है वो डी के पास नहीं होना चाहिए भैया। आप देखिए सी यहाँ एफ के पास है, सी यहाँ भी एफ के पास है, तो शायद मैंने थोड़ा सा गलत किया है, तो सेम ही हो गया ना ये, तो इसको यहाँ ना बिठाते हुए अगर मैं यहाँ बिठाऊँ सी ए और ई, तो ये नीचे वाली रो कुछ गलत होती हुई दिख रही है। एफ निम्नलिखित में किस छात्र की जोड़ी के मध्य खड़ा हुआ है? इसको तो हटा दीजिए, ये तो गलती हो गया इसलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। आपको कहा है कि एफ निम्नलिखित में किस छात्र की जोड़ी के मध्य खड़ा हुआ है, तो बी और सी के मध्य है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं बी और सी के मध्य कौन है, यहाँ पर एफ आ रहा है ना, और यही तो पूछा है इसने, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह, मतलब कोई लड़की, मेरी पत्नी, देखिए यह आदमी है, ठीक है, मेरी पत्नी कहा है, मतलब इसकी जो पत्नी है, मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी,
देखिए मेरी पत्नी के ससुर, अब ये ससुर कौन है सबसे पहले ये देख लेते हैं, इस आदमी के कौन है पिता, ठीक है। मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी, पत्नी के एक लौते बेटे की एक लौती बेटी है। देखिए इसके एक लौते बेटे मतलब ससुर और ये दो जो कपल है इनका एक ही बेटा है और वो कौन है, ये आदमी, और इसी आदमी की बेटी की बात हो रही है, एक लौती बेटी की बात हो रही है। आदमी लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़की क्या कह के बुलाती है, आदमी को पिता कह के बुलाती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़की आदमी से, आदमी क्या कह के बुलाता है, ठीक है, से जिसके साथ लगा होता है ना हमेशा उसको देखना है, तो आदमी क्या कह के बुलाता है, बेटी कह के बुलाता है, तो डॉटर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न घन की तीन दृश्य आपके सामने हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प दाई ओर दिखाए गए फलक के विपरीत है, मतलब देखिए दाई ओर दिखाए गए फलक के विपरीत होना चाहिए, मतलब इसके जस्ट विपरीत कौन सा होना चाहिए। शायद यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हुआ है जो यहाँ आया नहीं है कुछ, ठीक है। इसके अलावा हम करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन देखें हम, तो प्लस दोनों में कॉमन नहीं है, एट द रेट भी नहीं है, और ये तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें तो मैं एट द रेट को अगर यहाँ कॉमन ले भी लूँ, ठीक है, एक बात मान के अगर मैं एट द रेट को कॉमन ले भी लूँ तो यहां आएगा क्या, प्लस आ सकता है या फिर यहां पर यह भी आ सकता है, तो यहां पर एक जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को यहां पूरा करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 22 और 15, इन दोनों में अगर आप देखें तो कितने का भैया 7 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 15 और 5 20 और 2 22 होते हैं। अब अगर यहाँ देखें 8 और 15 में देखें तो 7 का 14 और 15 मतलब यहाँ भी 7 का अंतर आ रहा है, 1 से 8 में देखें तो यहाँ भी 7 का अंतर आ रहा है, मतलब नेक्स्ट 1 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे तो देखिए 7 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, बट यहाँ मैंने कहा है कि 1 में से 7 को माइनस करना है तो यहाँ आएगा माइनस का 6, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। और उसी प्रकार अगर यहाँ माइनस सिक्स रहेगा तो माइनस सिक्स में अगर मैं माइनस सेवन को अगर मतलब अंतर अगर देखूँ, माइनस मतलब माइनस का नहीं, या सेवन का अगर अंतर देखूंगा तो माइनस का 13 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किसी खास कोड भाषा में इसको पूरे को पढ़ने के बाद WIL विल का मतलब आपको बताना है, और आप देखें विल यहाँ भी लिखा हुआ है और विल यहाँ भी लिखा हुआ, मतलब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो देखिए TEEL नहीं है, THEM है और THEN है, NOW यहाँ भी है, NOW यहाँ भी, करेक्ट आंसर आपका यही होगा। चलिए विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, 2 6 अंतर 4 का 6, या फिर ऐसा ना करते हुए क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो 2 3 6 6 2 12 6 3 18 18 18 2 36 18 3 54 मतलब 54 3 अगर करेंगे तो 4 3 12, लास्ट में 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अगर 54 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैरी लगा 1, 5 3 15 और 1 16 162 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखिए ये सांकेतिक भाषा फ्रेंड का मतलब पता करना है, तो आपको क्या करेगा, सिस्टम को कुछ इस प्रकार लिखा गया है और यहाँ पर एक और दे रखा है इसको भी कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो आप फ्रेंड का मतलब बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आपको गलत पद को यहाँ पर बताना है, तो गलत पद की अगर मैं बात करूँ तो 11 से 21 10 का अंतर है, 21 से 32 यहां देखिए आप तो 11 का अंतर है, यहां 32 से 41 दे रखा है, ठीक है, और फिर यहां 41 से 51 दे रखा है, मतलब यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ये, ठीक है। 11 से 21 अगर आप देखें तो यहां 10 का अंतर था, और 21 से अगर आप 32 पर जाएं तो यहां 11 का अंतर है, मतलब अगर यहां 13 का अंतर होना था तो भैया या तो यहां 45 हो जाता, ठीक है, या फिर से अगर 10 का अंतर चाहिए था इसे तो यहां पर 42 हो जाता, ठीक है ठीक है, ये भी कोई मैटर नहीं है, या हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो, 10 11 यहाँ कितने का अंतर आ रहा था, यहाँ 8 और 1 9 का अंतर आ रहा था, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 41 से 51 वापस 10 का अंतर आ रहा है, मतलब 10 11 9 11, ठीक है। फिर 2 3 4 5 और 6 इनमें तो कोई अंतर होगा नहीं, मतलब आपका करेक्ट आंसर इन्हीं में से कुछ आ सकता है, तो देख लीजिए क्या आने वाला है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं, 11 से 21 10 का अंतर, और 21 से 32 अगर आप देखें
तो ये भी 10 का अंतर हो जाता अगर ये 31 होता तो, क्योंकि नेक्स्ट 41 है फिर 51 है, मतलब यहां भी 10 10 का अंतर हो जाता है। इस 32 ने पूरी सीरीज बिगाड़ी, इसलिए करेक्ट आंसर 32 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 28 मार्च से 30 दिनों के पश्चात कौन सी दिनांक पड़ेगी? देखिए 28 मार्च कहा है और आप जानते हैं कि 31 की मार्च होती है, ठीक है, मार्च जो है वो 31 का होता है, तो 28 हो चुके हैं, आपको 30 दिन और जोड़ने हैं, तो भैया 28 के बाद 29, 30 और 31, ठीक है। तो ये 31 मैंने कितने दिन जोड़ लिए, 3 दिन जोड़ लिए, तो 30 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने, 27, मतलब आप मार्च तो खत्म हो चुका है। अब अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में आपको 27 दिन जोड़ने हैं, और 27 वे ही दिन कौन सी तारीख आएगी, तो 27 ही आएगी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 27 अप्रैल। नेक्स्ट है, कवि का कविता से संबंध है तो संगीतकार का किससे है? डेफिनेटली सी बात है, संगीत से है, ठीक है। चलिए 9 जून 2001 को कौन सा दिन है? तो ये क्वेश्चन करना है 0 33 614 625 और 035, इस मंथ कोड से आपको ये क्वेश्चन करना है, जिसमें तारीख मतलब ये एक आपका सूत्र होता है, डे प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, और डिवाइड करना है 7 से, तो मंथ कोड आपका आ जाएगा जून। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये जून, जून का कोड है 4 प्लस, फिर आ जाएगा ईयर, तो ईयर की अगर मैं बात करूँ 2001 है, मतलब इसमें से आपको 1900 को माइनस करना पड़ेगा, और अगर इसमें से 1900 को माइनस किया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, 101 आ जाएगा, और इसी 101 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 होता है, अब बचा यहाँ पर 2 1, तो देखिए 4 से अगर आप टेबल बोलेंगे तो 4 5 20 होता है, मतलब लीप ईयर कितने आ गए 25, डिवाइड करना 7 से है, 5 हो गए 10 और 9 19 की 9 कैरी लगा 1, 2 1 3, 3 का 3 लिखेंगे और 1 लिख देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 1 7, बचा कितना 6 9, ठीक है। तो देखिए 7 की टेबल बोलिए कि यहाँ पर 69 आ जाए, 69 तो नहीं आ सकता, 63 आ सकता है, तो 7 7 49, 7 8 63, ठीक है, तो 18 टाइम गया बट 63 टाइम गया, तो 69 में से आप 63 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6। अब जो डे कोड होता है कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखिए ये होता है सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, शनि आना चाहिए करेक्ट आंसर, और आपका सैटरडे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कथन को चुने जो कथन का प्रतिवाद करे, सभी पहाड़ी शब्द, देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में कम से कम आपको कितनी ही वीडियो में करवा चुका हूँ, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के आप इसको हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर आपको मैं करने के लिए दूंगा और आप मुझे कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अगर वो रंग ला रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वह विकल्प चुनना है जो तर्क की दृष्टि से बिल्कुल आपको समान दिखता हो, यदि मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करेंगे, पीछे वाले को आगे सेंटेंस करेंगे और आगे वाले को पीछे सेंटेंस कर देंगे, ठीक है। तो यदि मैं साड़ी पहनती हूँ तो गलत हो जाएगा, यदि मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं बनाया, यदि मैं पार्टी के लिए बाहर जाती हूँ यह भी गलत हो जाएगा, यदि मैं पार्टी के लिए बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, एक पंक्ति है और इस पंक्ति में ये दायां है और ये आ जाएगा बायां, और बाएं से 15वें स्थान पर कौन है, ए है, फिर और बी दाहिने से 4थे स्थान पर है। अब देखिए दो लाइन बनाएंगे, दो पंक्ति बनाएंगे हम हमेशा, ठीक है, आगे से 15वें स्थान पर ए कहा है और पीछे से मुझे कहा है कि पीछे से बी जो है वो कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर होना चाहिए, तो मैं चौथे स्थान पर यहां मान लेता हूं पीछे से, ठीक है, और ये आगे से था। अब पीछे स्थान से अगर मैं चौथे पे अगर एक बी को अगर मैं यहां मानता हूं तो बी में यहां लिख देता हूं ए, एक में मैंने क्या किया क्रॉस करवा दिया और एक में मैंने क्रॉस नहीं करवाया है, ठीक है, ये आगे से 15 था और ये पीछे से चौथा था, चौथा लिखना था मुझे जी। आगे मुझे कहा है ए और बी के बीच 3 लड़के हैं, देखिए ए और बी के बीच अगर 3 लड़कों की बात हो रही है तो यहां हम लड़के रख सकते हैं 3, मतलब 1 2 3, यहां भी हम रख सकते हैं 3, मतलब 1 2 3, ठीक है। अब आप देखिए कि ए के ठीक बाएं पर सी है, ए के ठीक बाएं पर सी होना चाहिए, ठीक है, और दाहिने से सी का स्थान क्या है, ए के ठीक क्या कहा है, ए के ठीक बाएं, मतलब ए यहां है
तो ए के ठीक बाएं मतलब इस साइड सी होना चाहिए, ए के ठीक बाएं सी होना चाहिए, तो सी का स्थान आपको पूछा है कि क्या है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि भैया टोटल कितने बच्चे हैं, आपको बताया क्या, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां स्थान पर है और बी दाहिने से चौथे स्थान पर है, तो बिल्कुल ये पहला वाला करेक्ट हो सकता है। सेकंड वाला देखते हैं, ए जो है वो आपको आगे से 15वें नंबर पर है और बी जो है वो पीछे से चौथे नंबर पर है और इन दोनों के बीच में तीन लड़के हैं, तो क्या मुझे बताइए इन दोनों के बीच में तीन लड़के हो सकते हैं, तो जी बिल्कुल यहां भी हो सकते हैं, मतलब दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। आपको तो बताना है कि ए के ठीक बाएं अगर सी है तो दाहिनी से सी का स्थान मतलब पीछे से सी का स्थान क्या होगा, सी यहां पर है और इसने कहा है कि आपको यहां पर इस सी का स्थान बताना है और अगर यहां पर है तो इस सी का स्थान बताना है, तो ठीक है बता देते हैं। आपको पता है ए जो है वो आगे से बैठा हुआ है 15वें स्थान पर, मतलब सी का स्थान आगे से 14वें स्थान पर होगा। ठीक है, पर आपको तो पीछे से स्थान बताना है इसका, तो भैया पीछे से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर चार बी बैठा हुआ है, चार चौथे स्थान पर बी बैठा हुआ है और बी से अगर मैं आगे चलूं, देखिए मैं यहीं काउंट कर देता हूं, 5, 6, 7, 8 और 9, 9वें नंबर पर कौन बैठा है भैया, यहां पर सी, मतलब एक में मुझे पता चल गया कि 9वें नंबर पर कौन है, सी, फर्स्ट वाले डायग्राम से मुझे पता चला है। ठीक है, अब मैं सेकेंड वाले डायग्राम पर आता हूं कि आगे से ए जो है वो 15 नंबर पर बैठा है और आपको बताना है सी का, तो भैया आगे से सी कितने नंबर पर होगा, यहाँ भी 14 नंबर पर, 14 नंबर पर हो गया। अब पीछे से आपसे काउंट करना, पीछे से आपको अगर काउंट करना है तो आपको तो बता दिया कि चौथे नंबर पर कौन है भैया, पीछे से बी है, तो 1, 2, 3 और 4, आप देखिए क्या चौथे नंबर पर, नीचे यहां पर देखिए कि क्या चौथे नंबर पर बी हो सकता है, आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 यहां चौथे पे नहीं पांचवे पे हो रहा है, इसलिए आपका नीचे वाला डायग्राम हो गया गलत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर पर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है कि निम्न प्रश्न में कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं जो सभी केवल एक को छोड़कर समान है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए बी और डी दिया हुआ है, ए बी सी छोड़ दिया है डी, ठीक है सी छूटा हुआ है, फिर एफ के बाद अगर मैं बात करूं तो एफ जी एच छूटा हुआ है मतलब आई, एल एम एन छूटा हुआ है मतलब ओ, एस टी और यू, देखिए बैक टू बैक तीनों आ गए मतलब यही विपरीत है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।